एक गांव में रामदास नाम का लकड़हारा रहता था। वह लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ जाया करता था। हर रोज वह लकड़ी काटकर बाजार जाकर बेच आता था और अपना घर चलाता था। रामदास की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी शहर से थी। एक बार रामदास और उसकी पत्नी बातचीत कर रहे थे, तब उसकी पत्नी ने रामदास से बोला, सुनो जी, मेरे को आज शाम को बाजार से दो नए साड़ी दिलवाना और मेरे मेकअप का सामान भी खत्म हो चुका है। आज शाम को दुकान जाएंगे, मेरे को साड़ी और मेकअप का सामान दिलवा देना। अरे ममता, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हें मैं मेकअप का सामान और दो साड़ी दिलवा सकूं। मैं कुछ नहीं जानती जी, मुझे मेकअप का सामान और दो नए साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लाओ। अरे ममता, मैं तुम्हें कल दिलवाता हूँ ना, दो साड़ी और मेकअप का सामान। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। मेरे को चुपचाप आज तुम दो साड़ी और मेकअप का सामान दिलवा देना, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर ममता जिद करने लगी। रामदास कुछ समय बाद लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। रामदास अगले दिन से ज़्यादा मेहनत करने लगता है और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगता है। रामदास सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार बेचने के लिए चला जाता है। बेचे हुए सभी लकड़ियों का पैसा रामदास अपनी पत्नी को दे देता है। रामदास के मन में लालच आने लगता है और वह लकड़ियाँ काटने रोज जंगल की तरफ जाने लगता है। रामदास सूखी लकड़ी के बजाय हरी भरी पेड़ को भी काटने लगता है। हर रोज की तरह रामदास शाम होते ही लकड़ियाँ बेचने के लिए चला जाता है और वह कम दाम से अच्छे दाम में लकड़ियाँ बेचने लगता है। कुछ महीने बीते, रामदास के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे, लेकिन रामदास को जुआ खेलने की लत लग गई थी। रामदास कर्जे में डूब गया था। वह डेली जुआ खेलने लगा, सारे पैसे जुए में हार गया। कुछ हफ्तों बाद रामदास के पास कर्जे वाले आने लगे और रामदास से बोला, अरे ओ रामदास, तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू जुआ क्यों खेला? मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ, तू मेरा सारा का सारा पैसा लौटा दो, वरना तुम्हारा खेत घर सब अपने नाम कर लूंगा। मालिक, मैं इतना सारा पैसा एक हफ्ते में कैसे लौटाऊंगा? कम से कम मुझे एक महीने का तो समय दो, मैं आपका सारा का सारा पैसा चुका दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता रामदास, मेरा सारा का सारा पैसा तुम एक हफ्ते बाद लौटा देना, वरना तुम्हारा घर जमीन का क्या हालत होगा तुम देख लेना। पैसे चुकाने के चक्कर में रामदास लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल के बहुत अंदर चला गया। रामदास एक जादुई पेड़ को काटने लगा। तभी जादुई पेड़ ने रामदास को बोला, अरे लालची मनुष्य, तू मेरे को क्यों काट रहा है? हम पेड़ तुम्हें हवा छाया फल देते हैं, तब भी से तू हमें क्यों काटता है? अरे जादुई पेड़, ये मेरी मजबूरी है, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया हूँ, इसीलिए मैं सारे के सारे पेड़ को काटने आया हूँ, उसे बेचकर मैं कर्जे को छूट सकूँ। हे मनुष्य, मैं तुम्हें कुछ धन देता हूँ जिससे तू अपने सारे कर्जे को छूट सके और अपने जिंदगी को अच्छा भी बना सके, लेकिन मनुष्य तू कभी भी पेड़ ना काट।